एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं जो कि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स यानी कि एनीमिक पीरियड्स। आपको इरेगुलर पीरियड्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसका मैं एक घरेलू उपाय आपको बताऊंगी जिससे आपके एनियमित पीरियड्स, पीसीओडी की प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मेडिसिन जो पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ज़्यादातर लेडीज़ को टीन एज के बाद ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, पीसीओडी में क्या होता है, आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं यानी कि आपको पीरियड्स एक महीने दो महीने बाद आपको पीरियड्स आते हैं, तीन महीने भी आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, जिससे कि आपके जो हार्मोन्स है हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पर भी हेयर ग्रोथ होने लगती है, आपके फेस पर हेयर आने लगते हैं, आपके फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की लेडीज़ में, आजकल की लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी लड़कियाँ परेशान हैं। इसके अलावा पीसीओडी की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप माँ भी नहीं बन पाती हैं। तो पीसीओडी एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो बन चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली एक चीज़ है, जिसकी वजह से लड़कियाँ लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जिनकी शादी हो गई है उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो फिर उसके बाद कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उन सभी के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाई है बहुत अच्छा उपाय है, घरेलू उपाय। इससे आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके पीरियड्स रुके हुए हैं, एक महीना हो गया है, दो महीना हो गया है, तीन महीने हो गए हैं, तो भी आपके पीरियड्स आसानी से इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम से भी आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि पीसीओडी के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं, आप डॉक्टर्स को अपने दिखाती हैं और मेडिसिन आपकी चलती रहती हैं, तो जब तक आपकी मेडिसिन चलती है तब तक तो आपको उसका असर रहता है, आपको पीरियड आएंगे, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन बंद कर देती हैं तो आपको वापस से पीरियड बंद हो जाते हैं। तो लेकिन जो ये मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ, पहली बात, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप आसानी से यूज़ कर सकती हैं और हर घर में मौजूद होती है। देखिए ये इसका घरेलू उपाय क्या है, दालचीनी यानी कि सिनेमन हर घर में होती है। आप दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, दालचीनी के बड़े बड़े इतने बड़े रेशेस टाइप के होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, दालचीनी जो है बहुत एंटीऑक्सीडेंट है और दालचीनी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से आपको पीरियड आसानी से आ जाएंगे अगर आपके पीरियड्स रुके हुए हैं। तो इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और क्या है, दालचीनी की एक ख़ास बात है कि ये फर्टिलिटी को बूस्ट करती है। तो अब मैं इसका यूज़ बता देती हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, दालचीनी लेनी है आपको, आपको लेना है गर्म पानी, आपको बॉईल करना है पानी को, और 1/4 स्पून आपको उसमें दालचीनी का पाउडर बॉईल करने के बाद उसमें मिलाना है, और 1 चम्मच उसमें शहद डालना है। तो इसको आपको बना करके नाश्ता करने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपको इसको एक बार पीना है, फिर एक बार उसको आपको डिनर के बाद रात को पीना है। तो 2 बार कम से कम आपको इसको दिन में यूज़ करना है। अगर आप इसका लगातार 3 दिन तक यूज़ करेंगी तो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या फिर इसमें थायराइड की वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हों, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को आपको आसानी से आपको पीरियड्स आ जाएंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी की वजह से पीरियड्स रुके हुए हैं, एक महीना लेट हो रहे हैं, दो महीना लेट हो रहे हैं, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा यूज़ अच्छा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।